टू स्टूडेंट इंडिया, आई एम यशवी चौहान और आज हम यहाँ पर क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई ग्रेफाइट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में तो हमने प्रोनाउन किया था, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, पर साइंस के अंदर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन में क्या पढ़ा था, डायमंड के बारे में पढ़ा था कि भाई डायमंड जो होता है बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है अर्थ पर, और जो ये जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ये बहुत ही काम का होता है, ठीक है। कार्बन होता है बहुत काम का होता है। सो अभी यहाँ पे हम ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी वही रहने वाली है तीनों की, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, प्योर कार्बन से बने होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, क्या लिखा हुआ है, ये एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है, उसके अंदर आप देखिए कि इसका कलर क्या होता है, ये ग्रेफाइट ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओपेक सब्सटेंस, ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है कि हम इसके आर पार कुछ नहीं देख सकते हैं, क्या है, हम इसके आर पार कुछ नहीं देख सकते हैं। मेटल होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्यूलेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट में हम आर पार देख सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, ट्रांसक्यूलेंट में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे सकता है थोड़ा बहुत, पर ओपेक सब्सटेंस होता है हम उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो वही है। तो ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है कौन, ग्रेफाइट। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, भाई ये जो है डायमंड से क्या होता है, लाइट, हल्का होता है, ठीक है। स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ का मतलब चिकना और भाई फिसलनदार क्या, स्मूथ का मतलब चिकना एंड फिसलनदार, टू टच, भाई अगर टच करेंगे तो चिकना चिकना फील होगा, फिसलने वाला होगा, ठीक है। ये क्या होता है भाई, डायमंड से ये होता है लाइटर, हल्का होता है, और अगर इसे टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है, ये बहुत स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, मैंने मीनिंग बता दिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये क्या कर दिया इसने बताओ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेटल है ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मेटल सॉरी नॉन मेटल, ये जो नॉन मेटल क्या है, एक्सेप्शन है। रीज़न क्या है, क्योंकि हर एक नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ये तो गुड कंडक्टर है, क्या है, बिजली का सुचालक है, कंडक्ट कर सकता है उसे, ठीक है। ग्रेफाइट ये आप मान लीजिए जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, क्या एलोट्रोप ऑफ कार्बन, फर्स्ट कौन सा था इसमें, इसके अंदर हमारा पहला था डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट एंड तीसरा फुलरीन। ठीक है, सो डायमंड क्या है, ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मान लीजिए जो एलेट्रोप ऑफ कार्बन है ये बाप है, इसके तीन बेटे हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। डायमंड और फुलरीन तो एक जैसे हैं, परंतु जो ग्रेफाइट है वो मतलब इन दोनों से क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा। रीजन क्या है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए था, पर इसने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझाऊंगी। जैसे हमें चाहिए इसको कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, नोबल गैस को प्राप्त करने के लिए क्या कितने चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसके वैलेंस सेल चार होती है, ठीक है। परंतु इसने क्या किया, ग्रेफाइट के अंदर इसको सिर्फ और सिर्फ तीन मिल पाते हैं, मतलब कि मतलब ये तीन और किससे जुड़ा होता है, कार्बन एटम से, इसीलिए क्या होते हैं, भाग रहे होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नीचे लिखा हुआ है ईच लेयर हैज़ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन,
भाई जो सभी लेयर्स है, मैं आपको समझाती हूँ पहले स्ट्रक्चर, ये बाद में ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये एक हेक्सागोनल रिंग होती है। क्या होती है? हेक्सागोनल रिंग। देखिए ये हमारा एक हेक्सागोन बन चुका है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 कार्बन एटम है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, अब अगर हम और बनाएंगे तो यहाँ देखिए आप, ये देखो ये इससे ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब हम फिर और बनाते हैं, इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है पर मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये मैं ज़्यादा इधर ले जा चुकी हूँ इसे। तो अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, तो ये जो क्या है हमारे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे लेयर, इसके नीचे एक और लेयर होगी, फिर और लेयर होगी, फिर और लेयर होगी, मतलब लेयर्स पे लेयर्स होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मान लीजिए कार्बन है, ये एक कार्बन है, मानिए मत, देखिए कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन 1 2 3, तीन कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, इसी कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या फ्री? क्योंकि यहाँ पे ये तीन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तीन से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भागा दौड़ी कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट कर सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, आगे 1 2, पर अगर हम और आगे बनाते हैं तो और भी तो बनेगा ना आगे, ऐसे थोड़ा ना कितना बन जाएगा। सो आगे जा सकता है ये 1 2 3, समझिए यहाँ पे ये 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और जैसे कि यहाँ पे एक लेयर है ग्रेफाइट की, दूसरी लेयर नीचे होगी, तो इनके बीच जो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या फोर्स ऑफ, वो वीक होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, ठीक है। तो इस जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं वेंडर वॉल्स फोर्सेस, समझे कि नहीं? समझ गए ना, इसे हम कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। ये भी समझने की जरूरत नहीं है, समय से आप समझ गए होंगे। और अब आपको बताती हूँ ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। पेंसिल लीड होती है, उसके अंदर सब जानते होंगे किसका यूज़ होता है, ग्रेफाइट का यूज़ होता है, ठीक है। वो जो पेंसिल लीड होती है, पेंसिल की जो ऊपर की नोक होती है ना, वो किसकी बनी होती है? पूरी ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप उसे मतलब कि उसमें डालते हो सर्किट में, तो भाई करंट लग सकता है। अब हमें करंट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो वुड की होती है, लकड़ी की होती है, ठीक है। यूँ थोड़ी ना है कि जो कवरिंग होगी वो भी ग्रेफाइट की बनी है, वो किसकी बनी है? वो हमारी वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, समझे। और अगर हम उस लीड को तोड़ने की कोशिश करते तो कितना इजीली टूट जाती है वो लीड, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्लिपरी होती है और बहुत हल्की होती है, इसलिए जल्दी से टूट जाती है, ठीक है, समझ गए। एक बार और पढ़ लो इसे, इट इज़ ग्रेश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। भाई ये क्या होता है, क्या होता है ग्रेश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस, मैंने आपको बता दिया, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ग्रेश ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया था क्या होता है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, डायमंड से क्या होता है, ये हल्का होता है एंड स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। अगर उसे हम टच करेंगे तो ये चिकना होगा, फिसलनदार होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। ईच लेयर हैज वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेज। यहाँ पे कहा है कि जो भी प्रत्येक लेयर होती है, अब जो लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होता है, क्या होता है? वीक होता है, इसीलिए हम उसे वैन डर वाल्स फोर्सेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जैसे हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है, इसके बीच अभी और भी तो आएंगे, नीचे और आएंगे,
कि अभी तो हमने ऐसा लगा से सीधा हो, पर ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी तो आपको ये ऐसा लग रहा है, पर ये ऐसा होता है। और इसके बीच देखिए यहाँ जो लेयर्स बनेगी, जो भी बिटवीन, मतलब कि इसके अंदर लेयर्स के बीच में जो भी डिफॉर्म होगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। और ये जब सारे वो बनते हैं बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कौन से कोवलेंट, आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड नहीं होते हैं। क्या वो वीक बॉन्ड नहीं होते हैं? अब आप देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड था यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोवलेंट मतलब शेयरिंग ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, पर यहाँ पे थोड़ा ना टूट रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बीच में है ये कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, नीचे वाले कोवलेंट बॉन्ड से, पर इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो वीक है। कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी ना वीक है, इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं होते हैं। कभी कहो कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होते हैं। समझ गए भाई ग्रेफाइट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आज की वीडियो इतनी ही थी, ग्रेफाइट के बारे में समझना था, वही बहुत ईजी टॉपिक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।